हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द गिवन क्वेश्चन इज अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी और अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ओके, तो यहाँ पर एक बैग हमारे पास है, उसमें केवल और केवल लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज है और मालिनी ने एक कैंडी उस बैग में से निकाली बिना देखे हुए। अब हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है फर्स्ट पार्ट में कि वो कैंडी ऑरेंज फ्लेवर की होगी और सेकंड पार्ट में दे रखा है कि वो लेमन फ्लेवर की होगी। तो सबसे पहले तो जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये जो रेशियो है इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में बोला है इन्होंने कि जो कैंडी है वो कैसी होनी चाहिए, ऑरेंज फ्लेवर वाली। और यहाँ क्वेश्चन में दे क्या रखा है, दे ये रखा है कि सारी की सारी कैंडीज लेमन फ्लेवर वाली है, मीन्स ऑरेंज फ्लेवर वाली तो कोई कैंडी है ही नहीं यहाँ पर। नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडीज, नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडीज क्या है यहाँ पर, जीरो। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडीज जीरो है और टोटल कैंडीज जितनी भी हो, सपोज कर लेते हैं कि टोटल कैंडीज वन है, टोटल कैंडीज इन्होंने दी नहीं है, तो हमने सपोज कर लिया कि टोटल कैंडीज एक्स ले लेते हैं। ठीक है, टोटल कैंडीज हमने एक्स ले ली, तो टोटल कैंडीज एक्स है तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, जीरो होगी। तो आंसर हमारा क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी इज जीरो। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज कितनी होंगी। अब सारी की सारी कैंडीज तो लेमन फ्लेवर वाली है ना, टोटल कैंडीज हमने एक्स ली है, मीन्स लेमन फ्लेवर वाली भी तो एक्स होगी क्योंकि तो सारी कैंडीज लेमन फ्लेवर वाली हैं। तो अब हम अपना फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे फेवर में जो आउटकम्स हैं वो भी एक्स होंगे और टोटल आउटकम्स भी एक्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, वन हो गई। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी ये हो जाती है हमारी वन। ओके, तो ये आपके आंसर हो गए जीरो फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का आंसर है वन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।